हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और फिलहाल स्कूल के लिए रेडी हो गई हूँ और रूम से बस निकल ही रही हूँ, बैग भी पैक है। और अभी अभी जस्ट मैंने अपना ब्लॉग एंड किया है और अगेन अपना ब्लॉग शुरू भी कर दिया है। तो गाइस, इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपका ब्लॉग पोस्ट देखना तो बनता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप। की रख देती हूँ बैग में, चार्ट पेपर भी है, बच्चों के लिए चार्ट पेपर भी लेके जाने हैं आज। इसको गले में टांग देते हैं और ये क्या है। चलिए चलते हैं। ओके आंटी, बाय। ये देखिए आज का मौसम, बड़ा कातिल है, कोहरा ही कोहरा। यार ऐसे मौसम में किस मुंह से मैं अपने इस बच्चों को कहूँगी डेली स्कूल आया करो, जब मेरा खुद ही स्कूल जाने का मन नहीं करता है। बहुत ठंड लग रही है भाई, कोहरा तो हद से ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए ये बच्चे भी इतनी ठंड में स्कूल के लिए आ गए हैं अपने स्टॉप पर और हम भी वेट कर रहे हैं। हम सबकी लाइफ एक जैसी है, उनकी भी और मेरी भी। वो भी सुबह सुबह आ गए हैं और मैं भी सुबह सुबह आ गई हूँ यहाँ पे। मुझे घर जाना है, मुझे नहीं करनी मिल गया नौकरी वोकरी। हाँ मर गए रे मर गए। बच्चों की क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। सर्दियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है चश्मे वालों, चश्मा पहनने वाले लोगों के साथ, अगर वो कुछ ढक लेना अपनी नाक पे तो पूरा चश्मे पे तो फोग ही फोग हो जाता है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। ये अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन होता है। सुबह की शायरी, हमेशा शंकर जी मेरे साथ पटना से आए यहाँ तक, बोले जोगी जी प्रेम करना चाहिए, पत्नी से प्रेम करना चाहिए, पत्नी से प्रेम करना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए कि पत्नी किसकी है। एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, एक लड़की प्यार अभी मैं रंग में पार्टी स्कूल छूट गई। अच्छा तभी ब्लैक वाली आ रही है। बैक टू होम गाइस। और पता है यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा ठंड है, बट फिर भी मेरे को बाहर जाना पड़ेगा। आज मार्केट में जाने का मन नहीं था बट जाना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बताऊँ, जो हमारा स्कूल है आपको पता ही है कैसे इलाके में बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर है। तो मैं अभी जा रही हूँ एक प्रैक्टिकल फाइल लेने के लिए, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर मतलब कि वहाँ पे आसपास कोई शॉप भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना ही मार्केट है ना कुछ है। तो कभी कभी स्टूडेंट भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे रहती हूँ तो कभी कभी बच्चों के लिए प्रैक्टिकल फाइल वगैरह हम लोग ले जाते हैं। तो आज बस मेरे को वही काम था कि मेरे को प्रैक्टिकल फाइल लेकर जानी है बच्चों के लिए, तो उसके लिए ही मैं मार्केट जा रही हूँ। यार रात के 10 बजने वाले हैं और मेरे को चुल मची है अनार खाने की। रात को अनार कौन खाता है, वो भी इतनी सर्दी में? मैं खाती हूँ भाई, बट मैंने पानी गर्म कर दिया है इसमें थोड़ी देर के लिए। अनार के दानों को हम डिप कर देंगे और फिर अनार खाएंगे, बिकॉज खाने हैं तो खाने हैं। वहां में मैंने खीर भी बना दी है, बट इसको मैं अभी नहीं खाऊंगी, इसको मैं कल स्कूल में लेकर जाऊंगी, वहीं पे खाएंगे। चलो तो गाइज आज आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे तो मैं पूरा दिन बकल बकल करती रहती हूँ बट आज थोड़ा सा सीरियस हूँ, बिकॉज मैं पिछले बहुत दिनों से यूट्यूब पे मेहनत कर रही हूँ। लगभग 1.5 साल पहले मैंने अपना यूट्यूब पे चैनल ओपन किया था। यूट्यूब के लिए सब बोलते हैं कि पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और होनी भी चाहिए। और मैंने अपने YouTube पे जब काम शुरू किया था तो उसके बाद मेरे YouTube चैनल पे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आए थे, बट मैंने बीच में कंटिन्यू नहीं रखा, तो इस वजह से मेरा चैनल मुझे लगता है कि फ्रीज हो गया है। वैसे तो गाइज मैं जॉब भी करती हूँ,
बट फिर भी होता है कि यूट्यूब पे काम करेंगे तो थोड़ा यहाँ से अर्निंग होगी, तो अपने जितने भी ड्रीम होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो यही कुछ सोच के मैंने भी अपना यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया था। बट थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो रहा है क्योंकि मेरे चैनल पर अब लगातार व्यूज़ घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, वो नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला चैनल मेरे को बंद कर देना चाहिए। बट इतना ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होंगी मैं, अगेन मैं एक और नया चैनल स्टार्ट करूँगी और उस पर कंटिन्यू वर्क करूँगी। क्योंकि जब मैंने इस वाले चैनल पे कंटिन्यू वर्क किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले थे, और पॉजिटिव रिज़ल्ट इतने ज़्यादा अच्छे थे कि 2 साल भी नहीं हुए हैं अभी मेरे चैनल को, लगभग 1.5 साल ही हुआ है। तो 1.5 साल में ही मैंने बहुत सारे फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं क्योंकि मेरा कंटिन्यू वर्क नहीं था। और जब कंटिन्यू वर्क नहीं था, इतने में भी इतने सारे सब्सक्राइबर होना बहुत बड़ी बात होती है। गाइस, थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और सपोर्ट किया। बट थोड़ा सा आज मुझे डिमोटिवेशन हो रहा था तो इसलिए मैंने सोचा मैं कि यार थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश करती हूँ। ये वाले चैनल पर भी मैं कंटिन्यू वर्क करूँगी, बट अगेन मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी है। और जब तक मेहनत करनी चाहिए, जब तक मैं अपनी उस मंजिल तक ना पहुंच जाऊं जो मुझे चाहिए, तो मैं तब तक मेहनत करूंगी। और मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था अभी, तो उसमें था कि लोग ना डिमोटिवेट हो जाते हैं, यूट्यूब पे चैनल ओपन कर लेते हैं बट डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं यार छोड़ो, नहीं आ रहे हैं व्यूज़ तो छोड़ो, रहने देते हैं, अब अगेन ब्लॉगिंग नहीं करते, ये नहीं करते, वो वीडियोज़ डालना बंद कर देते हैं। मैंने भी बीच में यही किया था, मैंने भी वीडियोस नहीं डाले थे और मतलब कुछ भी नहीं करी थी। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं YouTube पे वीडियो नहीं डाल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ उस खाली टाइम में, रील स्क्रॉल कर रही हूँ ना। अगर मुझे कुछ मिल नहीं रहा है अपनी मेहनत करके, दिन में मैं 2 घंटा तो अपनी व्लॉगिंग को देती ही हूँ, अगर मैं 2 घंटा अपनी व्लॉगिंग को दे रही हूँ, अगर मैं वो नहीं दूंगी तो ऑब्वियस है कि मैं रील स्क्रॉल करूंगी। और 2 घंटा मैंने व्लॉगिंग को दिया, मेरे को कुछ अर्निंग भी नहीं हो रही है, कुछ मिल भी नहीं रहा है, आई नो, बट फिर भी स्टिल मेरा कुछ गया भी तो नहीं है ना, कुछ लॉस भी तो नहीं हो रहा है। तो मैंने यही सोचा, जब कुछ लॉस नहीं हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इस काम को क्यों छोड़ना। अगेन मेहनत करो, उठना है, चलना है, गिरना है, दौड़ना है, फिर संभलना है, फिर से गिरना है, फिर उठना है, फिर चलना है, फिर दौड़ना है, और फिर अपनी मंजिल हासिल कर लेनी है। सो गाइस, मेरा ये लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, सॉरी, बट मेरे को आज कुछ थोड़ा सा फील हुआ था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करी जाए। तो अभी रात के 11 बज गए हैं और मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। कल फिर से हम एक नया व्लॉग लाएंगे, फिर से हम बात करेंगे आप सबके साथ, फिर से आपको एक हंसते हुए चेहरे के साथ मैं मिलूंगी। तो इस वाले व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि आपने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर व्लॉग एंजॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, गुड नाइट।